सचिन पायलट का दौसा में आज शक्ति परीक्षण, किसानों की महापंचायत में करेंगे शिरकत, 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का ऐलान, आज किसान आंदोलन के समर्थन में 33 शहरों में आरएलपी की ट्रैक्टर रैली। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध हुआ तेज, पंजाब के भटिंडा में बारात की गाड़ियों पर लगे किसानों के झंडे। सिरसा में इंटरनेट पर पाबंदी के चलते किसानों ने खोजा प्रचार का नया तरीका, आंदोलन का प्रचार करने के लिए लिया मंदिर गुरुद्वारा का सहारा। गाजीपुर बॉर्डर पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, मेरे मंच पर पीएम मोदी को आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के लिए जगह नहीं। सिंघू बॉर्डर पर हैवी बैरिकेडिंग, पुलिस वालों की भारी तैनाती, आम लोगों के साथ मीडिया की आवाजाही पर भी रोक। रामपुर में नवरीत के परिवार से मिलकर बोली प्रियंका गांधी, नवरीत की शहादत बेकार नहीं जाएगी, किसानों के साथ हो रहा है जुल्म, हर देशवासी किसानों के साथ। टूलकिट केस को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया गंभीर, बोले विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की रच रही है साजिश। किसान आंदोलन को लेकर शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले किसानों को प्रदर्शन का शांतिपूर्ण रास्ता छोड़ा तो देश में होगा बड़ा संकट। 10 से ज्यादा विपक्षी दलों ने अमित शाह को सौंपा पत्र, किसानों के विरोध स्थल पर बिजली पानी बहाली की मांग। यूपी के हापुड़ में कब्र से दो महिलाओं के सिर गायब होने से मची सनसनी, लोगों ने पुलिस में की शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ में बीडीओ के खाते में अपराधियों ने उड़ाए 7,87,000 रुपए, क्लोन चेक के जरिए किया फर्जीवाड़ा। यूपी के इटावा में पुरानी रंजिश के चलते 30 साल के प्रधान की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली में ठंड ने फिर से दी दस्तक, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के नीचे पहुंचा, दिल्ली में 4 से 5 दिनों से खिल रही थी धूप। पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर में कल बारिश की संभावना, बढ़ सकती है पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड। शिमला में भारी बर्फबारी से बढ़ी पूरे हिमाचल प्रदेश में ठंड, सड़कों पर जमी कई फीट बर्फ। हिमाचल के डलहौजी में हुई 8 इंच बर्फबारी, पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। कोरोना संकट के बीच ईरान की रूस की मदद, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप ईरान पहुंची। उत्तराखंड सरकार का ऐलान, 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोलने का निर्देश, सभी स्कूलों में होगा नोडल अधिकारी, कोविड के नियमों का बच्चों से करवाएंगे पालन। झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई, चारा घोटाला में सजा याफ्ता है लालू यादव। किसान आंदोलन के लिए दिल्ली पुलिस को दी गई डीटीसी बसें वापस लेने का निर्देश, केजरीवाल सरकार का आदेश, बिना परमिशन ना दी जाए बसें। आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर आरोप, मनीष सिसोदिया बोले दिल्ली सरकार के अधिकार छीनकर एलजी को दिए, पिछले दरवाजे से शासन करना चाहती है बीजेपी। पाकिस्तान में फिर से हुई सर्जिकल स्ट्राइक, भारत की जगह ईरान ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, अपने 2 अगवा सैनिकों को रिहा करवाया। ईरान ने मंगलवार रात को पाकिस्तान में घुसकर अपने सैनिकों को रिहा करवाया, कई आतंकियों को भी मार गिराया, पाकिस्तान के कुछ सुरक्षा बलों के मारे जाने की भी खबर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।